आपके सामने दो डेटा दिए गए दो मुख्तलिफ प्लेयर्स का, और ये मुख्तलिफ पाँच इनिंग्स में इन दोनों की कारकर्दगी क्या है, कितने कितने रन बनाए। तो प्लेयर ए को आप देख ले, पहले में उसने 50 सेंचुरी बनाई, फिर उसके बाद दूसरे में 0 पर आउट, फिर तीसरे में वो 140 बनाए, फिर चौथे में 30 और पाँचवें में 10, दोनों का एवरेज सेम है। अब देखिए ये बंदा है, दूसरा खिलाड़ी बी है, इस तरह के उन्होंने रन्स बनाए, दोनों का टोटल एवरेज सेम है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप किस पर रिलाई करेंगे, किसको सबसे पहले आप फर्ज करिए, आप ओपनर की बात हो रही है तो किसको ओपनर भेजेंगे? इसको आप ओपनर भेजेंगे या इसको? हालांकि दोनों का एवरेज सेम है, तो हमारा प्रेफरेंस किस पर होगा? तो हमने क्या डिसाइड किया है, एक बात हमने क्यों इसको लिया, उसकी या उसकी वजह ये कि इसका जो इनिंग्स है वो उसमें कंसिस्टेंसीज नहीं है, इसमें रेंज बहुत बड़ा है। अगर आप इसका रेंज निकालें, एक तो ये 0 से लेकर 140 तक, इतना बड़ा रेंज, तो डेटा इतना फैला हुआ है उसका, कंसिस्टेंसीज में कम है, डेटा एक दूसरे के करीब करीब नहीं। जबकि इसका देख ले, इसका अगर आप रेंज निकालें, रेंज आप जानते हैं ना, इसका अगर आप रेंज निकालें, यानी रेंज ए का अगर आप रेंज निकालें, इसका मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो 140। जबकि बी का रेंज क्या होगा, खिलाड़ी बी का रेंज सबसे बड़ी वैल्यू इसका 70 है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसका, इसकी 30 है, तो बाकी क्या 40, तो कितना स्मॉल है ना। तो यहाँ से आपने देखा कि एक खिलाड़ी का रेंज इज मच ग्रेटर देन रेंज बी। तो इस मिसाल से वाजे हो जाता है कि किसी यानी जहाँ पर हमें डेटा को एनालिसिस करना होता है, वहाँ पर एवरेज या कोई डिसीजन मेकिंग करना होता है, वहाँ पर एवरेज नाकाफ़ी है। एवरेज के अलावा हमें और एक और पहलू को भी देखना है डेटा का, कि डेटा कितना एक दूसरे के करीब करीब है या कितना एक दूसरे से दूर दूर है। इसी को हम क्या नाम देते हैं, डिस्पर्शन, या और जो टूल्स इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है ना, कि डेटा जितना एक दूसरे के करीब करीब होगा उतना ही उसमें कंसिस्टेंसी होगी, उतना ही उसमें, अगर आप खिलाड़ी की बात कर रहे हैं तो आप खिलाड़ी पर ज़्यादा रिलाई करोगे कि यार ये बंदा कम से कम 0 पर आउट नहीं होगा ना, ठीक है ना, बेशक कुछ ना कुछ रन बनाएगा। इसी तरह ये जो काम है कि हम ये डेटा कंसिस्टेंसी को हम देखते हैं, ये बिज़नेस वगैरह में रिस्क के लिए इस्तेमाल होता है। तो कोई बिज़नेस अगर एक मरतबा वो करोड़ों कमाता है, दूसरे मरतबा वो लास्ट पर चला जाता है, तो उसका रेंज बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस पर उतना ज़्यादा बंदा इंतज़ार नहीं कर सकता है, उस पर एतबार नहीं कर सकता। तो ये चीज़ है, तो वो टूल्स जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है कि डेटा कितना एक दूसरे से दूर दूर है या कितना नज़दीक नज़दीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, या ठीक है ना। तो पहला आपने टूल पढ़ लिया, ये रेंज, यही पहला रेंज पहला इसका टूल है। उसके बाद और कई हमारे पास है, हमारे पास तगैरियत है, वेरियंस है, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये तीन चीज़ हम पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी है, मीन डेविएशन है, क्वार्टर डेविएशन है, लेकिन हम ये जो तीन आपके कोर्स में शामिल है, रेंज, और वो भी रेंज एब्सोल्यूट रेंज, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट रेंज, हमारे पास रिलेटिव रेंज भी है, इसी तरह मीन डेविएशन है, क्वार्टाइल मीन डेविएशन है, और बहुत से दूसरे किस्में, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो रेंज पढ़ेंगे, उस वेरिएंस पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे हमने यहाँ पर, मेजर्स ऑफ जो दिशा के पैमाने, मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, उसमें पहला रेंज पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे वेरियंस, इसको तगैरियत कहते हैं। अब ये सारी इसको निकालने का क्या फार्मूला है, अलग अलग फार्मूला है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना,
स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यारी इन्हराफ इसको कहते हैं, म्यारी। तो ये जो टूल्स है इनको हम सीखेंगे कि किस तरह डेटा में से रेंज या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह मेजर किया जाता है, ठीक है ना। और किसी डेटा को एनालिसिस करने के दौरान उसमें से नताइज निकालने के लिए एवरेज के अलावा ये चीज़ भी देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे टूल्स है जो कि मैंने बताया डेटा कंसिस्टेंसी को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, परफॉर्मेंस को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, और बिज़नेस में रिस्क वगैरह को एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल होता है। कि फ़र्ज़ करें अगर एक बिज़नेस है वो 10-20 सालों से काम कर रहा है, तो स्टॉक एक्सचेंज है, एक बंदा किस कहाँ पर उसको अपना जो इन्वेस्टमेंट है कहाँ पर करना चाहिए, तो वो सबसे पहले रिस्क को देखता है, यार ये बिज़नेस रिस्की है या नहीं। तो वो रिस्क को एनालाइज करने के लिए ये टूल्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अभी एक्सरसाइज करते हैं।